वीडियो में दिखाए जा रहे ये पेरेंट्स उन मासूमों के लिए आवाज उठा रहे हैं जिनके साथ कथित तौर पर स्कूल पिकनिक पर मॉलेस्टेशन किया गया। अभिभावकों का गुस्सा इतना तेज था कि वे प्रशासन के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को लांघ कर स्कूल में घुस जाने पर आमादा थे। ये मामला महाराष्ट्र के थाने के सीपी गोयनका स्कूल का है। इस मामले में बात करते हुए एक फीमेल पेरेंट ने मीडिया को बताया कि स्कूल की ओर से दूसरी कक्षा की छात्राओं को पिकनिक के लिए ले जाया गया था। पिकनिक पर स्कूल स्टाफ के अलावा दो अन्य व्यक्तियों को भी ले जाया गया था। आरोप है इनमें से एक व्यक्ति ने स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट पर छुआ। घटना के बाद बच्चों ने इसकी शिकायत टीचर से भी की, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। सुनिए मामले की पूरी कहानी अभिभावकों की जुबानी। मेरी बच्ची भी यहाँ पर पढ़ती है। आज की तारीख में, आज के डेट में बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर क्लास टू के बच्चों को पिकनिक पे लेके गए थे। जब पिकनिक पे लेके गए थे, कंसेंट फॉर्म दिया गया था। उस कंसेंट फॉर्म में किसी भी वेंडर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। एक आउटसाइड वेंडर को हायर किया गया था और किडजीनिया यहाँ पर लेके गए थे बच्चों को। वहाँ से ये आउटसाइड वेंडर बस के अंदर चला गया और आउटसाइड वेंडर ने सारे बच्चों के साथ में मॉलेस्टेशन किया। उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया। बच्चियों ने टीचर तक कंप्लेन भी की थी, पर टीचर ने उसको निग्लेक्ट कर दिया। देयर वर थ्री टीचर्स जो प्रेजेंट थे एक बस के अंदर, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया जब ये इंसिडेंट हुआ। एक बच्चा नहीं, अनेक बच्चे थे वहाँ पर, और एक बार नहीं, अनेक बार थे बच्चों के साथ। बच्चे बहुत डरे हुए थे। जैसे ही बच्चे अपने घर पहुँचे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने FIR करने की कोशिश भी की। पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में कपल ऑफ आवर्स, काफ़ी घंटे तक बैठना पड़ा, तब जाके उनकी FIR हुई। पर स्कूल मैनेजमेंट से जब ये बात पेरेंट्स ने बताई, तो स्कूल मैनेजमेंट से ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी कैजुअल हो गई थी। स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया, ना वो पुलिस स्टेशन में इसका FIR किया, ना पेरेंट्स को किसी भी तरह से कोई भी आश्वासन मिल गया। उसके लिए आज की तारीख में बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर जमा हुए थे। The incident happened on the 20th of February 2024, जब सेकेंड ग्रेड के बच्चों को पिकनिक के लिए लेके गए थे बस में। जो दो डिवीजन के बच्चे थे जो पिकनिक पे गए थे, उनके साथ मॉलेस्टेशन का केस हुआ है। 8 to 10 किड्स हैव रिपोर्टेड दिस इश्यू टू द पेरेंट्स, एंड देयर वर 3 टीचर्स इन द बस एंड 2 आउटसाइडर स्टाफ। जो पेरेंट्स को बताया नहीं गया था कि आउटसाइडर्स हैव इन पिकनिक में इन्वॉल्व, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। वी डोंट नो उनका ड्यू डिलिजेंस कैसे था, इन्वेस्टिगेशन कैसे था बिफोर अपॉइंटिंग देम, बट उसमें से एक आदमी ने 8 से 10 बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन किया है, एंड नॉट अ बेसिक टच बट अ प्रॉपर मॉलेस्टेशन। टीचर्स बस में थी जिन्होंने कहा है हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम तो नज़र रख रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। 8 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, एक्सेप्टिंग द नेग्लिजेंस बट एक्सेप्टिंग द क्राइम। लाइक इसमें द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट क्लियरली सेड दैट ये किसी के साथ भी हो सकता है कहीं पे भी। सो दैट वाज द रिस्पांस वी गॉट, किसी के साथ भी हो सकता है। ये घटना मंगलवार 20 फरवरी की बताई जा रही है। मामले में अभिभावकों की ओर से स्कूल मैनेजमेंट और आरोपी पर FIR की गई। पेरेंट्स की ओर से पिकनिक पर गई टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट का इस्तीफा मांगा गया है। मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल प्रशासन की ओर से समझाइश के लिए मीटिंग भी बुलाई गई, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में बात करते हुए कपूरबाड़ी पुलिस थाने के अधिकारी JP पाटिल ने बताया, पेरेंट्स की ओर से आरोप लगाया गया है कि पिकनिक के दौरान जावेद खान नाम के शख्स, जिसे नाश्ता परोसने के लिए रखा गया था, उसने कुछ स्टूडेंट्स को गलत तरीके से छुआ। घटना के बाद स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद वे पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में बस सहायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 356, 356A और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद आरोपी जावेद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।